हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैजल उन्नी के टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सारा कमेंट मुझे मेरे काफ़ी सारा पेटीएम के वीडियो में आया है कि पेटीएम जब भी आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर चुका है, तब से उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ अमाउंट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या जब भी रिसीव करते कोई भी अमाउंट वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो कंप्यूटर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा है तो आप उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस मनी को आप जब भी कोई आपके पास भेजता है तो आप उसको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं कि आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में वो अमाउंट ना आए। इस बारे में कंप्यूटर से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। बात ऐसा है कि अगर आपको पेटीएम यूज़ करते हैं तो काफ़ी दिनों में पेटीएम यूज़ करते होंगे, अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है तो कभी भी आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में मनी रिसीव करते थे, कभी भी मनी सेंड करते थे, मगर जब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है तो काफ़ी सारा जो भी फ्रेंड लोगों का प्रॉब्लम है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक से जो भी उनका अमाउंट है वो कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो इसका रीज़न क्या है और अगर वो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में कभी भी आप मनी रिसीव करते हैं, आपको कोई भी पेटीएम पेमेंट भेजते हैं आपके यूपीआई आईडी से या पेटीएम वो मोबाइल नंबर से और आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अमाउंट चला जाता है तो आप कैसे इसको बंद कर सकते हैं, अपना पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी अमाउंट रिसीव ना करें तो उसको बंद कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे अब वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो बात करते हैं, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अमाउंट रिसीव करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा आप पेटीएम पेमेंट बैंक को आपका केवाईसी की है कि नहीं। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक केवाईसी है तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन किए होंगे, मगर अभी जब से पेटीएम ने अपना केवाईसी बंद किया है, आरबीआई ने जब से पेटीएम के ऊपर बैन लगाया है तब से काफ़ी सारे अकाउंट में रीवेरिफिकेशन मांग रहे हैं। इनका उसका मतलब है अगर आपका पेटीएम पहले से केवाईसी है तो आपको फिर से रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस आधार कार्ड का नंबर देके उसका फोटो खींच के फिर से देना पड़ेगा, फिर से आपका पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगा। तो मैं मोबाइल स्क्रीन पे करके बताऊंगा अभी कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक को रिएक्टिव कैसे कर सकते हैं, अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा है उसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप कैसे बंद कर सकते हैं, अगर आप चाहते नहीं कि मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ भी अमाउंट आए तो उसको बंद कैसे करा सकते हैं। तो कंप्लीट हम अभी मोबाइल स्क्रीन पर बात करने वाले, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे दूँ। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट आप कहीं गूगल पे फ़ोनपे पे यूज किए हैं वहाँ पे मनी रिसीव करने के लिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ पे गूगल पे फ़ोनपे पे जाके आपको वो पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट को डिलीट करना पड़ेगा। जब भी आप पेटीएम पेमेंट बैंक को अपना गूगल पे फ़ोनपे से डिलीट करेंगे फिर जाके आपका पेटीएम पेमेंट बैंक मनी रिसीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं पेटीएम में कुछ सेटिंग बताऊंगा जो सेटिंग के थ्रू आप वो पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक, आपका कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, मगर आपका फ़ोनपे या गूगल पे में कहीं पे भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको पता नहीं पेटीएम अपना फ़ोनपे या गूगल पे से अकाउंट नंबर कैसे रिमूव करना है उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर पूरा वो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए और गूगल पे फ़ोनपे से अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट को रिमूव करिए। तो चलते मोबाइल स्क्रीन पे, मैं मोबाइल स्क्रीन पे कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं या कैसे अपना मनी रिसीव कर सकते हैं या पेटीएम में कौन सा सेटिंग करना है जैसे कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई मनी रिसीव ना करें। देखिए, मेरा पेटीएम अकाउंट है, अगर आपको पेटीएम अकाउंट में आपको देखना है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक रिएक्टिव कैसे करना है, तो रिएक्टिव करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है तो पेटीएम पेमेंट बैंक में जाना पड़ेगा। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में तो आपका जो भी पासकोड है आप एंटर करिए तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड को रखना है। तो ये आपका यहाँ पर जो नाम है आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर रीज़न देना, आई वॉज अनवर्ड द तो आपको रिएक्टिव करना तो आपको रीज़न देखना है, तो जैसे आई डोंट हैव ए नीड तो आपको जो भी आधार कार्ड आप देखे आपको यहाँ पर प्रोसीड भी वही पे करना है। तो आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर का ओटीपी जाएगा, आपको इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो रिएक्टिव हो जाएगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अभी यूज नहीं करेंगे और आपका अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में कुछ अमाउंट है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक कुछ अमाउंट रिसीव नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले मैं आपको पहले बता दूँ, आप वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आपको सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप से आपका पेटीएम पेमेंट बैंक को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कैसे करना है मैं आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको मेरा फ़ोनपे ओपन करके दिखाता हूँ कि मैं रिमूव कैसे करना है। तो ये मेरा फ़ोनपे, जब मैं फ़ोनपे को ओपन करता हूँ
तो आपको यहाँ रिमूव कैसे करना है, तो आपको प्रोफाइल पे जाना है और आपको यहाँ पर देखना है आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है, कौन कौन से बैंक अकाउंट लिंक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा, अगर आपको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक होगा तो आप देख के आप रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर लिंक है। तो रिमूव करने के लिए आपको पता है कैसे रिमूव करना है, चलते पेटीएम में। तो आपको क्या करना है, पहले आपको आपका जो भी यहाँ पर आपको खुद का पेटीएम से अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को रिमूव करना है। तो कैसे करना है, तो आपको जाना है टू बैंक अकाउंट। जब आप टू बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो आपको सेटिंग के ऑप्शन लेके है, आपको सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक का ये मेरा लिंक है, तो मुझे इसको रिमूव करना है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर सेट है, तो आपको जो भी आपका मोबाइल में पेमेंट भेजेगा तो डायरेक्टली आपको पेटीएम पेमेंट बैंक आ जाएगा, तो आपको निकलने के लिए दिक्कत होगा। तो आपको रिमूव कैसे करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर रिमूव करेंगे तो आपका रिमूव अकाउंट रिमूव हो जाएगा। तो आप ऐसे अपना अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं अगर आप रिमूव करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका है, ये तो आपको यहाँ से रिमूव करना ही करना है, तो आपको चलते हैं पेटीएम आपका जो बिजनेस ऐप है, तो बिजनेस ऐप में भी सेम प्रोसेस होगा। आपको बिजनेस ऐप भी, अगर ये मेरा पेटीएम बिजनेस ऐप है और आपके पेटीएम बिजनेस ऐप में भी आपका पेटीएम अकाउंट लिंक होगा तो उसको भी रिमूव करना है। तो उसके रिमूव करने के लिए आपको पहले यहाँ पर जाना है, आपका प्रोफाइल सेक्शन जाना है, आपको देखना है आपका कौन कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे भी लिंक होगा तो आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो मैं चेक करता हूँ, मेरा एक अकाउंट लिंक है, तो अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ से लिंक है तो आप यहाँ से भी पेटीएम पेमेंट बैंक को रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ये पेटीएम बिजनेस ऐप है और पेटीएम बिजनेस ऐप में भी कोई भी पेमेंट करता है तो डायरेक्टली, जैसे कि ये मेरा बैंक अकाउंट लिंक है तो इसमें मेरा इसी बैंक अकाउंट को अमाउंट जाएगा। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक होगा तो डायरेक्टली आपको पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में चला जाएगा और आपको वहाँ से भी पेमेंट निकालने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे आप अपना भी जो 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 एप्लीकेशन में आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है आपको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख लिए, आप यहाँ से अगर आप अपना पेटीएम में आपको खुद पहले पेटीएम में अपना अकाउंट को रिमूव करना है, फिर पेटीएम बिजनेस से रिमूव करना है, फिर फोनपे या गूगल पे कहीं पर भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है तो उसको रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो आपका कोई भी आपके मोबाइल नंबर पे पेमेंट भेजेगा तो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं आएगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा अदर बैंक अकाउंट उसमें चला जाएगा, तो आपको वहाँ से पेमेंट निकलने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे ये ट्रिक आप फॉलो करिए, आपको कोई भी आगे दिक्कत नहीं आएगा। ये था कंप्लीट वीडियो कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक को रीवेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर आपका पेटीएम आपका पर्सनल पेटीएम है, अगर आप आपके डॉक्यूमेंट दे के वहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट खोले थे तो आप जाकर आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप आपका डॉक्यूमेंट दे के आपका डॉक्यूमेंट दे के आप पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं खोलते तो आप रीवेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया अगर आप चाहते हैं कि अपना पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के लिए तो बंद भी करा सकते हैं। वैसे भी अगर आप रीवेरिफिकेशन नहीं करेंगे फिर भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अगर आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी मनी सेंड करता है, जैसे कि फ़ोनपे गूगल पे या पेटीएम में कोई भी आपका मोबाइल नंबर के थ्रू यूपीआई पेमेंट करता है तो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में आता है, तो आपको मैं पूरा सेटिंग बताया कि कैसे आपको रिमूव करना है अपना फ़ोनपे में गूगल पे में या पेटीएम में पेटीएम बिजनेस में कैसे अपना अकाउंट को रिमूव करना है पेटीएम पेमेंट बैंक को। अगर आप ये सब ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा और आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके कि कहीं कितना, काफ़ी सारा फ्रेंड का मुझे क्वेश्चन था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कुछ अमाउंट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, और पेटीएम पेमेंट बैंक में जो भी कोई पेमेंट भेजता है हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक आ जाता है सो उसको भी कैसे बंद कर सकते हैं। तो कंप्लीट हम इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बता दिए। फिर भी आपको यदि मैम कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए बात और कुछ नए जानकारी।